प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार पब्लिक रिएक्शन लेकर आए हैं, जिसका क्रेडिट जाता है रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले शोएब चौधरी को। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। सर ने अपनी एक स्पीच के दौरान ये बोला है कि इंडिया में कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रो रहे हैं। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है कि जैसे इंडिया में इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो पाकिस्तान की पब्लिक के नजदीक कौन से ऐसे पार्टी है इंडिया की जो कि इकतदार में आए, जो पावर में आए, नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए इंडिया में। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, फिर भी क्या वजह है कि हमें अक्सर गंदुम यानी वीट पाकिस्तान के बाहर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और जब अपनी यहाँ पे फसल तैयार होती है तो किसानों को वो रेट क्यों नहीं मिलता। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नहीं मकता। क्या करते हैं सर आप? मैं खिदमत करता हूँ ताजरों की, यहाँ का सदर है। अच्छा, इस मार्केट के आप प्रेसिडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो, पहले तो मुझे ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं बिजनेस के क्या हालात हैं इस मार्केट के, पाकिस्तान की, खास तौर पे लाहौर की, मेन बड़ी मार्केट इस मार्केट में से ये एक मार्केट है, तो क्या बिजनेस के क्या हालात चल रहे हैं? जितनी महंगाई, जितने बिल, जितनी बच्चों की किताबों की खर्च अखराजात, उनके दाखिले, पेपर मनी और पेट्रोल, ये सारी चीजें ने कारोबार पर असरार डाले हुए हैं। ठीक है, ताजर भी फिस रहा है, मुलाजम पेशा भी फिस रहा है, हर बंदा फिस रहा है, हर बंदा बिजनेस उस तरीके से नहीं चल रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन फिर भी हम आए दिन सुनते हैं कि हमें वीट गंदुम यानी के इम्पोर्ट करनी पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये जो बात की है ना गंदम की, गंदम में तो हम खुद कफील हैं। अच्छा, ज़रात में? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर क्या वजह बाहर से क्यों मंगवाते हैं? अगर इसमें कोई शक नहीं है, बाहर से इसलिए मंगवाते हैं कि पाकिस्तान की गंदम जो है ना, वो इसको जो यहाँ के चौधरी हैं, मिल ओनर है, सियासतदान है, ठीक है, उनमें भी उनके बंदे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी उनके बंदे होते हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है ना, ये नहीं चाहते, ठीक है, इनको होता कि हमने किसी जिस पार्टी का साथ दिया वो जीत गई है, अब वो हमारी मोनोपोली पे हमारा साथ देगी और हम जो मर्जी चाहें करें। नहीं, तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे क्या वजह है कि जैसे खास तौर पे नेबर की बात करें, वहाँ पे भी सियासत होती है, वहाँ पे भी पार्टियां जीतती हारती हैं, वहाँ पे एक मैं सीधी बात करता हूँ। आम मिसाल पहले हम नेबर की या किसी की बाद में देते हैं। अच्छा, अपने घर से पहले चलते हैं। ठीक है, नहीं साथ वाले को देखना तो चाहिए ना कि वो कैसे आगे जा रहे हैं, उनकी पॉलिसी है। अच्छा, तो उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आयन है, कोई कानून है, तो हमारा भी तो आयन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कानून यार, कायदे आजम ने जो आयन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आयन नहीं है, पाकिस्तान का आयन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है ये आवाम भी जानती है और मैं भी जानता हूं। तो अगर आवाम, पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, तो फिर दुनिया पूरी जाहरी बात है इस चीज को देख रही होगी। अभी नेबर, जिसे आपने मतलब नेबर कंट्री की अगर बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में जा रहा है बीक का कटोरा लेके, और वो इसलिए इन सारी, और दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला उधर कांग्रेस रो रही है, मार रही है, इधर पाकिस्तान रो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान बना है। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही बताया जाता है, और इसके इसको कायम दायम रखने के लिए और इसकी छान के लिए हमारे बहुत से फौजी जवानों ने, एजेंसीज के जवानों ने, जिसमें पुलिस भी आती है, जो भी इदारे हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अच्छा, बड़ी कुर्बानियां दी, शहादत का रुतबा उनको ऐसे ही नहीं मिला। ठीक है, अभी एक बंदे की वजह से
एक पूरा डिपार्टमेंट जो है वो काली बेड नहीं बन सकता। काली बेड एक होती है, पूरा उसकी वजह से सारे लोग खराब, उसकी वजह से सारे हर महकमे ने महकमे में कोई ना कोई काली भेड़ है। लेकिन चले खैर जाहरी बात है, वो तो कोई भी इदारा उसमें अच्छे भी बुरे भी लोग मौजूद होते हैं। मुझे बताएं हम ना 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 यहाँ पे फर्क आ गया क्या? अच्छे बुरे लोग जब एक महकमे डिपार्टमेंट बनता है ना, या एक फौजी जवान जब होता है ना, तो वो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हलफ देता है। आप अभी कह रहे हैं पाकिस्तान का आईन ही नहीं है, हलफ देता है। अच्छा। पहले मेरी बात सुने, मैंने वो बात की है, वो हलफ देता है। और मैंने ये भी कहा है कि आईन उड़ाने वाले कौन है, सारे नहीं है। अच्छा। एक काली भेड़ है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं अब। तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम वियतनाम में। वियतनाम आपको पता है फिर पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर, मतलब इसका मतलब है। अच्छा चले ये बताए, हाँ वियतनाम बेहतर है ना? अच्छा, उन्होंने अपनी इकॉनमी भी बेहतर की, ठीक है, अपने जितने भी कानून वगैरह बेहतरी लेके आए, बेहतरी लेके आए। आप मुझे बताएं 1947 से लेकर ठीक है अब तक क्या बेहतरी लेके आए पाकिस्तान में? हाँ जी, आपने मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ा नहीं, जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अच्छा। कायदे आजम के साथ क्या किया, उसकी हमशीरा के साथ क्या किया, डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, ठीक है। और भी बहुत सी वैसे तो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी एग्जाम्पल है। अच्छा मुझे ये लास्ट में बता दें, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे पाकिस्तान? मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। ऐसा पाकिस्तान मुझे चाहिए जहाँ पे ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद किया जाए। मुझे वो पाकिस्तान चाहिए, तो ये वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसने वो ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बने हुए का आईन ही खत्म कर दिया। नहीं तो इसमें पाकिस्तान की पब्लिक भी तो देखे ना, अगर आज हम इस हालत में हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक का भी उतना ही कसूर है। क्या समझते हैं कि सारा कसूर गवर्नमेंट का है, सारा कसूर पॉलिटिशियंस का है? गवर्नमेंट का ही कसूर है। नहीं क्या अंकल जी? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का कसूर, पब्लिक का भी तो आया ना साथ। नहीं नहीं नहीं, हमारा और आपका कोई कसूर नहीं। मुझे यार एक अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, ठीक है, जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो पब्लिक का था। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, ठीक है, FIA के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ, मेरे से कौन कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं? नहीं वो तो FIA के डायरेक्टर के साथ जो हुआ, वो FIA तो खुद भी तो बहुत कुछ करते हैं ना, फिर मतलब जो गलत कोई करे तो फिर तो यार अच्छे इंसान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, उनके मफाद को ठेस पहुंचे, उस पे टैग लगा दिया जाता है ये गद्दार है, ये गद्दार, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, ये गद्दार है। समझ आई? तो मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आईन ना कानून ना दस्तूर कुछ नहीं है, ठीक है, और जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातर उन माओं के बेटों ने, उन माओं के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान, ठीक है, उसको मलिया मेट कर दिया। नहीं उसमें ये भी है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान पे थोड़ा बुरा वक्त है, हालांकि हम तो हमेशा ना, 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 नहीं, हम हमेशा से जस्ट एक मिनट मेरे बेटे देखो, मेरी उम्र है, मैं आपसे बहुत बड़ा, बहुत सारी बात है, बहुत बड़े हैं, मैं उम्र गुजार चुका हूँ जी, ठीक है, नीतों का दारो मदार होता है अमलों पर, ठीक है, ये बात बुनियाद बनाकर ना आप इसको घुमाए नहीं, गमाना नहीं चाहिए। अच्छा, हकीकत बयान करनी चाहिए। नहीं वो ये है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज बुरा वक्त आया तो आप जो वो क्रिटिसाइज कर रहे हो। यार अगर मेरी नियत ठीक नहीं है तो बुरा वक्त मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ ये बात है, ये यानी ये भी नाम पूछेंगे बुरा वक्त आया कैसे है? आया कैसे है, जो पूछता है उसको कहते हैं टांग दो, ठीक है। और अगर हम ये कह देते हैं कि भाई साथ वाले कंट्री में देख लो वो आगे चले गए या वो बेहतर हो गए, बेहतर चले गए, ये ड्रामेबाजी है, ये सियासत है, ये अपनी सियासत करते हैं मसाले देकर, ठीक है, हकीकत में ये कोई बात नहीं, अपने आप को सीधा करो, अपनी नियत ठीक करो। नेबर कैसे आगे चला गया अगर वो आगे गया तो? अपनी पॉलिसियों की वजह से, आपके ख्याल से, अपने दस्तूर की वजह से, ठीक है, अपने आईन की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, वो उनकी वजह से। देखे हम छोटे होते सुनते होते थे कि हम मुसलमान हैं, अच्छा,
ठीक है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के जो थे ना बड़े थे अख्तियार, अच्छा, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। हम कलमा पढ़ के उससे पीछे हट रहे हैं, ठीक है, और उनके वो जो है ना उनको अपना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, गैर मुस्लिम के, अच्छा। वो हमारे जो पैगंबरों ने वलियों ने फरमाया वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उसको फॉलो कर, नहीं आपका मतलब अगर नेबर कंट्री इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है उन चीजों को, हाँ, वो हालांकि गैर मजहब है, चाइना भी उसे फॉलो कर रहा है, उन्हें फॉलो कर रहा है, उन्हीं बातों को उन्हीं हदीसों पर अमल कर रहा है, ठीक है, उन्हीं कुरानी आयात पर अमल कर रहा है, अच्छा, हाँ जी, आप कुरान पाक तफसील से पढ़े, ठीक है, यानी ये आप बात कर रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं कि चाइना अगर आगे जा रहा है वो कुरान पाक और हदीसों को पढ़ के आगे जा रहे हैं, वो उसमें से वो नुस्खे निकाल, साइंस का जिक्र तो पहले ही हुआ हुआ है, किधर, कुरान पाक में, अच्छा, कि दुनिया इतनी तरक्की कर जाएगी, ठीक, तो वो तबाही की तरफ जाएगी, उसमें अंकल जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है, उसमें ये क्या वजह है कि हमारा कुरान पाक है मतलब मुसलमानों की किताब है हम उस पे अमल नहीं कर रहे, या हमें नहीं, आप कह रहे हैं हमें पहले से ही पता था, यानी पहले से पता होना फिर तो हमें सबसे पहले, फिर तो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे किसे होना चाहिए था। देखिए टेक्नोलॉजी में हम नहीं, वैसे अगर एक मिनट मेरी बात सुनिए, टेक्नोलॉजी में हम जब भी वन यूनिट था ना हम दुनिया के छठे सातवें नंबर पर, ठीक है, हमने इंडोनेशिया मलेशिया उनको टेक्नोलॉजी दी, अच्छा, जब वन यूनिट था, चाइना के बारे में भी हम सुनते हैं, हाँ जी, वो हमसे बहुत पीछे था, अच्छा, जब वन यूनिट था, ठीक है, जब वन यूनिट टूटा खत्म हुआ, बांग्लादेश लादा हो गया जी, बिल्कुल टोटे हो गए, हम ये कहते रहे, आप जिनकी बातें मुझे कह रहे लोग ये कह रहे लोग, लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हम इसका बोझ कैसे उठाएं, तो आज बांग्लादेश, आज बांग्लादेश कहाँ पे है, वो किस लिए है, अपने दस्तूर और आइन की वजह से, ठीक हो गया। चले हम भी एज ए पाकिस्तानी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, अंकल ने थोड़ी सी सख्त बातें की हैं, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान से जब कोई दर्द रखता हो मोहब्बत रखता हो तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है, और उस दुख में आप फिर थोड़ी कड़वी बात कर जाते हैं, उम्मीद है बेहतरी की, उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर, हाँ, हाँ जी, अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है, ओ अंकल जी ना करें, मेरी दुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है, नहीं, ये इस पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई, वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, एटम बम कौन सा पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान गुम हो गया, अच्छा, जिस दिन वो मुझे पाकिस्तान मिल गया ना, खुदा की कसम मैं सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको काफी मजेदार और एंटरटेनिंग लगी होगी, क्योंकि सोहेब चौधरी के सवाल हमेशा ही बहुत जबरदस्त होते हैं, और आपने देखा जो पाकिस्तानी अंकल थे उन्होंने भी जवाब बहुत तगड़े दिए और रियलिटी को आपके सामने रखा। और दूसरी ओर हम जानते हैं कि हमारे जो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो बयान है वो पाकिस्तान में आए दिन वायरल होते रहते हैं, पर खास बात यह है कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं उनको पाकिस्तान से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। अभी हमने दो दिन पहले देखा था पाकिस्तान के जो पूर्व साइंस मंत्री थे यानी कि टेक्नोलॉजी मंत्री थे फवाद चौधरी डब्बू जी, जो कभी भारत के चंद्रयान का मजाक उड़ाया करते थे, उन्होंने राहुल गांधी की काफी तारीफ की और राहुल गांधी के प्रति काफी ज्यादा प्यार दिखाया और मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।